नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार लॉ स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर, एक अच्छा वकील कैसे बना जाए, एक अच्छे वकील का क्या क्वालिटी है, क्या क्या क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए ताकि आगे चल करके हम एक अच्छा वकील बन सकें, कैसे पता करेंगे कि कौन अच्छा वकील है कौन अच्छा वकील नहीं है, हर व्यक्ति जो काला कोट पहनता है क्या वो अच्छा वकील होता है। यही चीज जब सीनियर एडवोकेट फलियस नरीमन को पूछा गया तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, लगभग 10 पॉइंट बताए, और उन्होंने कहा कि यंग एडवोकेट्स यदि इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो आगे चल करके वो अच्छा वकील बन सकते हैं, और इन तमाम पॉइंट्स को यदि वो नज़रअंदाज करते हैं तो उनके करियर में एक हर्डल ज़रूर उत्पन्न होगा अच्छे वकील बनने के क्रम में। चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट हैं। कुछ 6-7 पॉइंट्स का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो फलियस नरीमन साहब कहते हैं वो ये है कि वंस अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैंने कई बार वीडियोज़ में अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि यू मस्ट बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जिंदगी भर आपको सीखना है, जिंदगी भर आप लॉ के स्टूडेंट होंगे। जब हम ये कहते हैं कि वी आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, या फिर कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप कहते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, इट मीन्स वॉट? इट मीन्स कि आप लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हो। चाहे आप कितना ही महारत क्यों ना हासिल कर लिए हो लॉ में, इस प्रोफेशन में, फिर भी आप कहते हैं कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। इसका मतलब साफ है कि चाहे आप कितना ही पढ़ लें, लॉ इतना वास्ट है कि आप परिपक्व हो ही नहीं सकते। हर दिन लॉ बदलता है, सैकड़ों लॉज नए बनते हैं, सैकड़ों लॉज डिलीट किए जाते हैं, हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रोफेशन की एक खासियत है, इसीलिए उसी को उन्होंने कहा है कि एक एडवोकेट जो है वो हमेशा एक स्टूडेंट होता है, उसके कहीं अंदर जाकर के एक स्टूडेंट की जो भावना है वो हमेशा जिंदा रहती है। दूसरी बात ये कहते हैं, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज वाइटल, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स आर इन इंग्लिश। अब इस बात को मैं थोड़ा सा एलाबरेट करूंगा। इन्होंने कहा है कि इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, मैं इस बात से इत्तफाक रखता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो हमारे पास जो टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं, वो अच्छी किताबें इंग्लिश में ही लिखी गई है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर, क्या हिंदी में कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको बुक्स रेफर करने होंगे, अच्छी किताबों की जरूरत होगी, लाइब्रेरी में आप जाओगे इंग्लिश में मिलेगा। वहां पे ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते जज को कि मैं तो हिंदी में लॉ किया था और कहीं कुछ मिल नहीं रहा। जो एपेक्स कोर्ट के जजमेंट्स होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, आप कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि मुझे हिंदी में करके इसको दीजिए। तो कई बार जब क्वेश्चन आता है बच्चों का, खास करके जो बिहार यूपी झारखंड के हैं, वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो क्या लॉ उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हिंदी मीडियम से भी हैं तब भी करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि ये 3 साल में या 5 साल में यदि आप 5 ईयर एलएलबी करते हैं, आप इंग्लिश को स्ट्रांग करो, सीखो। यदि क्वेश्चन ये है कि आखिर इंग्लिश को कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे मजबूत करें, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, काफ़ी पहले का वीडियो है, लेकिन आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर इसको जा करके देखेंगे और वहाँ से अपने इंग्लिश को सुधार कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट कहते हैं, द वर्स्ट एनिमी ऑफ हार्ड वर्क इज अ फिक्स्ड मॉनेटरी रिवॉर्ड। अब जो वकील होते हैं उनका कोई फिक्स अवार्ड नहीं किया जाता कि भाई एक मंथ में इतना पैसा आ जाएगा, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। मैं यदि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की बात कर रहा हूँ, जो सरकारी नौकरी में है उनको छोड़ दीजिए, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे करोगे? अपने अंडर जो काम कर रहे हैं आपके अंदर, उनको पैसा कैसे दोगे, किस तरीके से मैनेज करोगे? कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि मंथ में इतना आना ही आना है, ये डिपेंड करता है कि कितना आप काम करते हैं। यदि काम नहीं करोगे पैसा नहीं आने वाला, काम करोगे लोग अप्रिसिएट करेंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा, जाहिर सी बात है आपके पास लोग आएंगे, और जब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप एक अच्छा खासा रकम कमा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जब हमारे पास मंथली सैलरी होता है ना, तो हमें कठिन मेहनत करने की जो आदत है ना, वो फीकी पड़ जाती है। इसीलिए हम यदि एडवोकेट की बात करें तो ये फिक्स नहीं होता सैलरी, और इसीलिए इन्होंने कहा है द वर्स्ट एनिमी ऑफ हार्ड वर्क इज अ फिक्स मॉनेटरी रिवार्ड। और फिक्स नहीं होता तो हम मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुझे याद है कि कई बार हमें ऑफिस से 12-1-2 बजे रात में वापस जाना पड़ता है, क्योंकि फिक्स कुछ भी नहीं है, ये नहीं पता होता कि मंथ के लास्ट में इतना पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट में। सिर्फ काम ये होता है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आए हैं उनको रिलीफ मिले, चाहे जैसे भी मिले, चाहे आप 1 बजे काम करो, 2 बजे रात में काम करो, 3 बजे रात में काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीनियर एडवोकेट फलियस नरीमन साहब कहते हैं कि किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से कोर्ट में आपको अपीयर होना चाहिए, किस तरीके से जजेस से बात करनी चाहिए, उसके बारे में कहते हैं। और कहते हैं कि टू लूज योर टेंपर एट अ जज इज लूजिंग हाफ द बैटल इन कोर्ट। जाहिर सी बात है जब हम केस में आर्ग्यू करते हैं
तो अपोनेंट होंगे, उनका मत कुछ और होगा, हमारा मत कुछ और होगा। इस आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट के क्रम में कई बार ऐसा होगा कि आपको जज से भी नोकझोंक करना होगा, जज से भी आर्गुमेंट करने होंगे। तो यहीं पे यहां पे कहा गया है कि कई बार ऐसा हो जाता है, इतना टेंस माहौल हो जाता है कि कई वकील अपना आपा खो देते हैं और जज से एक जिस तरीके से बात करनी चाहिए वैसा नहीं करते। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि आपका काम है एडवोकेसी, दिस इज योर प्रोफेशन, तो आपको ये भी जरूरी है जानना कि आखिर इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। जिस दिन आप जज पे गुस्सा हो गए किसी बात पे, उस दिन आप समझना कि आपका आधा युद्ध वहीं खत्म हो गया, हार जाओगे आप। इसीलिए किस तरीके से आर्गुमेंट करना है, किस तरीके से अपनी बातों को जज साहब तक पहुंचाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उनको समझ में भी आ जाए और ऐसा लगे कि अच्छा वकील साहब तो कोई खास गलत भाषा का उपयोग नहीं करा है। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि एक्सरसाइज कॉशन व्हेन स्पीकिंग टू मीडिया, अनफेयर टू जज हु कैनॉट रिटेलिएट। यहां पे कहा कि बड़ा सोच समझ करके आपको मीडिया के पास जाना चाहिए। मीडिया के पास आप गए, आप कुछ कहा और उस चीज को यदि घुमा करके कुछ और कह दिया गया तो एक रेपुटेशन वो धूमिल होता है, खराब होता है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि मीडिया से आप बचें, और यदि आपको देना ही है तो कोशिश करें कि जजेस के अगेंस्ट जो अनफेयर चीज़ें हैं उसको आप ना करें, क्योंकि उससे ये होगा कि जजेस रिटेलिएट नहीं करते, वो आपको दोबारा बोलेंगे नहीं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि उनके सर्विस रूल्स कुछ इसी तरीके के होते हैं। तो हमें बचना चाहिए उस चीज़ों से, जरूरत पड़े तो आप कीजिए लेकिन संभल करके कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फलीस नरीमन साहब ने कहा कि टाइम लिमिट फॉर आर्ग्यूमेंट्स इज इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस। आजकल जो केसेस पेंडिंग है, पेंडेंसी ऑफ केसेस को ध्यान में रखते हुए जो लिमिट है आर्ग्यूमेंट का, इसे एक तरीके से बाउंड होना चाहिए कि आप आधे घंटे का कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट, 45 मिनट्स का कर सकते, कुछ इस तरीके का, ताकि उसी टाइम फ्रेम में आप अपनी बात को जज तक पहुंचा दें। आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि उसी समय में आप सब कुछ उनको बता दें। तो ये एक आर्ट है, आपको सीखना पड़ेगा, वकील को सीखना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप कई सारे केसेस में अपीयर होंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग करना है, किस तरीके से हमें जज के सामने एक्सप्रेस करना है। इन तमाम बातों का ज्ञान एक अच्छे एडवोकेट को होना जरूरी है। और लास्ट में ये कहते हैं कि एडवोकेसी प्लेज अ वाइटल रोल, केसेस आर नॉट वॉन मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास एविडेंसेस बहुत सारे हैं, केस हम जीत जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे एविडेंस हैं तो आप जीत ही जाओगे। डिपेंड करता है कि उस एविडेंस को किस समय आपने लगाया है। यदि आप समय पे नहीं करते हैं उन तमाम चीज़ों को तो शायद वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं हो, या फिर कुछ और चीज़ें बीच में निकल करके आ जाए। इसीलिए एविडेंस यदि सब कुछ है तो ये मत सोचना कि केस जीत ही जाएंगे। किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसको ड्राफ्ट करना है, किस तरीके से उसे एकोमोडेट करना है, किस तरीके से जज को कन्विंस करना है, ये सब आर्ट एडवोकेसी का है, जो कि आप किसी किताब से नहीं सीख सकते। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो जो आर्ट ऑफ एडवोकेसी है वो सीखना बड़ा मुश्किल होगा। इस वीडियो के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि आप अपना करियर लिटिगेशन में बनाना चाहते हैं तो इन बातों को बहुत बारीकी से समझ लें और उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। यदि आप इसको अभी से फॉलो करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एक अच्छे वकील बनेंगे, और यदि शुरुआत से ही यदि आप गलत प्रैक्टिस को करेंगे, आप अनएथिकल चीज़ों को करेंगे, आप प्रोफेशनल एथिक्स को नहीं फॉलो करेंगे, आप एडवोकेट्स एक्ट या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम यंग एडवोकेट्स को अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इथिकल प्रैक्टिस को आप अपनाएं और इन तमाम बातों को जो सीनियर एडवोकेट फलीस नरीमन साहब ने कहा है इस पर ज़रूर गौर फरमाएं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को भी हिट कर दें, ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपके डोरस्टेप तक आराम से पहुंच जाए और वहां पे आप उस जानकारी को पा सकें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।